नमस्कार मुलम भाई Honorable Minister for Tribal Affairs, respected Dr. Jitendra Singh Ji, Honorable Minister of Science and Technology and Earth Sciences, who is सामाजिक समानता और समावेश लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 15 नवंबर को देश जन समुदायों को सशक्त बनाने के सफर में हम कहां तक पहुंचे हैं, ये मौका है विचार करने का कि आगे अभी और क्या करने की जरूरत है। आदरणीय परम आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा जी, डॉक्टर आईआईटी डॉक्टर सीतारमन, माय कोलीग फ्रॉम डीएसटी डॉक्टर दत्ता, मेंबर्स ऑफ द फ्रेटर्निटी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम, लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो मुझे क्षमा याचना करनी है, उन पर गंभीरता से विचार किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में जैसे बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं, इट इज गोइंग टू बी टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोग्रेस एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्रोथ, और विच डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू प्ले मेजर रोल। और साथ ही साथ जब अगले 25 वर्ष हम अमृतकाल की बात करते हैं, तो हम ये भी समझते हैं कि उस अमृतकाल से प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गौरव दिवस की घोषणा की कि देश के समस्त जनजातीय समाज को और देशवासियों को, हम सबको ऐसे जंगलों के बीच से उभरे हुए आजादी के लड़ाई को नेतृत्व करना है। और उसी उपलक्ष में आज हम एक नए इनोवेटिव आइडिया के साथ इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। मैंने अपनी यात्रा संघर्ष के साथ प्रारंभ किया। ताली बजाइए भैया। दिस इज आईएसएसटी। ये ग्रामीण स्तर पर सामूहिक प्रयासों से रोजगार पर कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा रहा है।
थोड़ा सा इसका मार्केटिंग पर्सन पैसेंट को बोले इन लोगों को हवा पानी ठंडी से भी बचाता है, बहुत कामयाब असली थोड़ी है हमारे तरफ से बर्ड्स ऑफ मॉनस एकदम ये बहुत अच्छी है, दे प्रिपेयर्ड इट मैडम, दे प्रिपेयर्ड इट दिस मैच, यस बर्ड्स ऑफ मॉनस दैट्स नाइस। मेरा महेंद्र बसुमतारी हूँ, मैं गौरव मणि जी को इस ट्रेवल कंक्लेव में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और आप लोग जानते हैं गौरव मणि जी लगातार 1989 से लेके 1993 और 1996 से लेके 2003 तक बोधगन मूवमेंट के लिए लड़ाई कर रहा था उसी जमाने में। और उसी दौरान जो मानव टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है आप लोग जानते हैं उसमें आंदोलन के बाजे से बहुत नुकसान हुआ था, वहाँ का जितना भी वाइल्ड लाइफ है उसको मारा दिया था और जितना भी फॉरेस्ट कैंप है उसको आर्म्स लूटिंग किया था। और जैसे तैसे मानव में जितना भी वाइल्ड लाइफ है फॉरेस्ट कैंप पूरा डिस्ट्रॉय हुआ था, और ड्राइवर सर्किट जितना भी आर्म्स है लूट किया था, तो मानस पूरा कंप्लीटली जीरो हुआ था। जब से हम 2003 से लेकर जब ब्रिटिश से एक और हुआ तब से हम लोग बोरो कम्युनिटी जो लोग एक्सपोसर था मिलिटेंट था हम सब एक साथ मिल के मानस को फिर उसका जो डोर है उसको वापस लाने के लिए हम लोग एक एनजीओ फॉर्म किया था कम्युनिटी एनजीओ। और इसमें एक्सट्रीमिस्ट भी था ओसार भी था स्टेट ऑर्गेनाइजेशन भी था। हम एक साथ मानस को बचाने के लिए हम लोग का एरिया में टोटल 1 लाख टोटल पॉपुलेशन 1,62,000 था टोटल 63 विलेज। इसमें जितना भी विलेज है उसमें हम लोग ऑर्गेनाइज किया है और जिस जगह में जिस गांव में इलीगल आर्म्स है उसको हम लोग समझा के बुझा के इकट्ठा करके 2006 से 22 जुलाई में बक्सर डीसी ऑफिस के हाथ में मोर देन 60 आर्म्स हम लोग गवर्नमेंट को किया है एनुअल कंजर्वेशन मानस को बचाने के लिए। और मानस वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर उसको वापस लाने के लिए हम उसका वो किया है। और 27 एंटी पोचिंग कैंप्स हम रिवाइव किया है, मोर देन 60 किलोमीटर रास्ता हम लोग खुद बनाया है 60 किलोमीटर पेट्रोलियम क्रॉस कोई ठूस भी नहीं था। 14 ईयर्स मानस वॉज ए गॉडलेस गंदगी के वजह से मूवमेंट की वजह से जितना भी फॉरेस्ट गार्ड का रेंज पूछा था पूरा भाग के पूरा टाउन में सेटल किया था। तो मानस वॉज ए गॉडलेस उसी दौरान हम लोग मानस को बसे जिस समय में हम शुरू किया था उसी समय टाइगर का हिसाब था 6 ओपीडो मारा टाइगर का हिसाब बार 32 6 के पास हो गया। ओह गॉड 10 टाइम्स
11 का शंकर था 600 था, वो भी 1600 हो गया। और बाईसवें का पॉपुलेशन था 400 था, वो भी 900 हो गया। जो बुरा ये हम लोग का बोरा बहुत बड़ा शिपिंग है। और मानस वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड डेंजर वो डेंजर हटके वो भी आपको मानस वर्ल्ड हेरिटेज साइट के थ्री हो गया। राइनो पॉपुलेशन कितना था? राइनो पॉपुलेशन राइनो अभी 58 है, लेकिन लास्ट ईयर में काउंटी के बहुत मौसम था, हैवी रेनिंग था तो परफेक्ट होम नहीं मिला, लेकिन है 48 को मिला है हम लोग। तो मानस फिर जीरो से हीरो बन गया है हम लोग का। बोलो कम्युनिटी की वजह से, बोलो ट्राइबल कम्युनिटी की वजह से, तो इसलिए फॉरेस्ट बसाने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी हम लोग का ट्राइबल कम्युनिटी का भी बड़ा बहुत बड़ा सेक्टर है। और आज के अभी तो आप लोग जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग है, अगर वाइल्ड नहीं रहेगा तो फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो दुनिया तो नहीं है, नहीं बचेगा ना। तो इसीलिए फर्स्ट सबका ये होना चाहिए कल्चर रिलीजन था बिगेस्ट रिलीजन, कोई बुद्ध कोई ईसाई कोई हिंदू ये छोड़ो, कंजर्वेशन सबसे बड़ा धर्म है, हम बचाना है। अगर नहीं बचाएगा तो क्या सब मर जाएगा? क्या धर्म तो नहीं बचा सकेगा ना हमको? अगर कोई और कोई आएगा भूमिकंप आएगा क्या कोई धर्म हमको बचा सकेगा? क्रिश्चियन लोग या हिंदू लोग? अगर हम लोग का जो सिस्टम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड सिस्टम में रहेगा बसेगा वो तो ही हम बच सकेंगे ना। तो इसलिए हम लोग ये कंजर्वेशन को धर्म मान के हम लोग किया है। तो अभी तो मैं इंट्रोड्यूस करी हम लोग का टैग कम है लेकिन चिल्ली भी था हम लोग का इंट्रोड्यूस करी नहीं बोलेगा अभी इंट्रोड्यूस को था। अभी हम लोग अभी तो मैं बात तो बोल रहा हूँ, अभी मैं बोलने जा रहा हूँ। मेरे साथ एक पोसर है, उसका एक हाथ नहीं है, वो शिकार के समय में उसका वर्ल्ड बोर्डनेस को जंगल छुआ दिखाता है। जब से हम लोग 2003 में जो एनजीओ को फॉर्म किया है हम लोग वो लोग को समझाया कि देखिए हम लोग का बदलन आ गया, अभी हम लोग को भी मानस को बचा के उसमें इको टूरिज्म डेवलपमेंट करके लाइवलीहुड बनाना है, क्योंकि हम लोग का एरिया में कोई कोयला नहीं है, लाइम स्टोन नहीं है, कोई मिनरल्स सोर्स नहीं है बड़े बड़े फैक्ट्री बनाने के लिए। तो एक मतलब हम लोग का फॉरेस्ट है वो ग्रीन गोल, उसको हम बचा के हम लोग का लाइवलीहुड बनाना है। तो हम लोग इको टूरिज्म भी शुरुआत किया है, क्योंकि इको टूरिज्म के साथ हम लोग लाइवलीहुड एक टूरिस्ट के साथ 6-7 ऐसा इन्वो होता है, जैसे ड्राइवर से लेके गाइड से लेके हाउसकीपिंग के लेके, मतलब टूरिज्म वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। तो अगर इसलिए हम लोग इस मन से धरा, अब जो यूनियन मिनिस्टर आएगा बोल के तो हम लोग आया था, हम तो मांग करने आया था, अभी हम लोग इतना मेहनत करके मानस को फिर बचा रहा है। तो इस हम लोग वो भी पूरा दुनिया में पूरा विश्व में 2-3% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने में सहायता कर रहा है पृथ्वी को, तो उसका इच्छा हमको भी चाहिए। होगी हम लोग का रास्ता ठीक के बनाना देना चाहिए, लाइवलीहुड के लिए कुछ फंडिंग देना चाहिए डायरेक्ट फंडिंग, क्योंकि हम लोग देखा है मेरे लाइफ एक्सपीरियंस में मैं 19 ईयर्स हो गया एनजीओ में कम्युनिटी का काम करते करते, उसी दौरान में मैंने बहुत बड़े बड़े एनजीओ को मिला है, वो लोग पूरा डीपीआर बना के सिर्फ पैसा को लेता है, ग्राउंड लेवल में कुछ भी नहीं है। जैसे बड़े बड़े एनजीओ बोलता है पैसा क्या है कुछ क्या है, मैं बोल रहा हूँ अभी नाम नहीं लेगा, एक एनजीओ है बहुत बड़ा एनजीओ है हम लोग का भोयापारा रेंज है, हम लोग का रेंज, इस रेंज में वो लोग सिर्फ एक मशरूम यूनिट किया है, लेकिन उन लोगों का नाम बहुत बड़ा है दुनिया में, सब जानते हैं उन लोगों को, नाम बड़ा है काम बहुत छोटा है, हम लोग का नाम छोटा है काम बड़ा है, डिफरेंस ये है। तो इसलिए हम लोग इस मन से धरा ये डिमांड करता हूँ और मांग भी करता हूँ आप लोग पास कीजिए, क्योंकि हम लोग का तो मिनिस्ट्री का लेवल में कोई लेना देनी है देना नहीं है। तो अगर लोके जो फंडिंग आएगा कंजर्वेशन के नाम में लाइवलीहुड के नाम में, तो लोकल में फ्रेंड्स विलेज एरिया में छोटे छोटे एनजीओ है उन लोगों को डायरेक्ट फंडिंग देने से अच्छा है, क्योंकि वो लोग 100 रुपये लेके आएगा 10% यूज करता है। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ क्योंकि वो जरूरी स्टेट लेवल पे चूँकि हमारा ट्राइबल डिपार्टमेंट है और आज शायद मेरी बेटी भी है, तो जितना भी अगर ये जो इश्यूज हैं आपके
कि जैसे फंडिंग्स हो भी रही है, DST के थ्रू फंडिंग हो, चाहे मोटा के थ्रू फंडिंग हो, चाहे पंचायती राज के थ्रू फंडिंग हो, तो प्रॉपर फंडिंग इन NGOs को आनी चाहिए। फंडिंग्स का इशू नहीं होता है, प्रॉपर है सही जगह पे पहुंच जाए, वही आपका भी मकसद है कि सही जगह पे पहुंचे और जिससे काम हो सके। ऐसा भी ना हो कि मतलब चली जाए और वो काम थोड़ा हो, बट जो थोड़ा काम, जो छोटा काम कर रहा है और बड़ा ले जा रहा है, उनको सबसे बड़ी बात है कि जो बड़ा काम कर रहे हैं उन्हीं को देखा, यही मकसद है। So we will see what के जो आपकी जो भी हैं, आप SPD is working with them sir. And I am personally involved with last 22 years with Editing or We are managing producing so many problems, solar system, beekeeping and alternative livelihood. जो भी the best thing we can do, मतलब जो भी किया जा सकता है बेहतर तरीके से, please write it down. आपको पूरी रिपोर्टियर से तो लिख लीजिए, तो it will be helpful. मैडम मैं एजुकेटिव सर अभी आपको सुनाऊं। ये नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोधला है, वो आतंकवादी था, टेररिस्ट था, आज वो लोग मानस का कर्जा का जो है हम लोग ट्राइबल कम्युनिटी लोग हमसे स्पीक करने को आता है, उसको बताने को भी आता है, हम लोग दो काम कर सकते हैं। ये यूनिक स्टाइल है, हम रत्तापुर से बागमती बना रहे हैं। Thank you.
जाएगा यार।